श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। आचार्य सिद्धसेन अपने मन के द्वंद्वों को स्तुति के माध्यम से बाहर ला रही है। हर व्यक्ति के मन में द्वंद्व होता है, अंतर्द्वंद्व, और वह अंतर्द्वंद्व जब बाहर आता है तो हल्का हो जाता है, भीतर रहता है तो समस्याएं पैदा करता है। तो आचार्य ने कहा कि प्रभो, यह संसार समुद्र है, अपार है। हम संसार को एक समुद्र की कल्पना करें। संसार का मतलब जन्म मरण का चक्र, इसका नाम है संसार। तो यह संसार है, अपार है, पार नहीं, अनादि, और होगा मोक्ष जाएगा तब, नहीं तो अनादि अनंत है, अपार। अब अपार है, उसमें सबका योग कैसे मिल सकता है? प्रभो, ऐसा लगता है कि मैंने आपका नाम भी नहीं सुना, गोत्र भी नहीं सुना, आप मेरे कानों की भी नहीं बने, मैंने आपके बारे में कोई सुनी नहीं बात। प्रमाण का नहीं सुना इसका क्या? अगर मैं आपका नाम पहले सुन लेता, आपके बारे में पहले कुछ सुन लेता और आपके निकट आ जाता तो कोई विपदा जीवन में नहीं आती। कैसे? प्रमाण कर रहे हैं, आकर्णिते तु तब गोत्र पवित्र मंत्रे। अगर आपके गोत्र का पवित्र मंत्र पहले सुना हुआ होता तो यह विपदा रूपी सर्पिणी निकट ही नहीं आती। भगवान पार्श्व का गोत्र है नाग वंश, वंश है नाग। भगवान पार्श्व और भगवान महावीर दोनों नागवंशी क्षत्रिय हैं, तो नाग वंश है, नाग का संपर्क रहा है। बाद में भी धर्मेंद्र पद्मावती नाग का संपर्क है, और आप पार्श्व की प्रतिमा को देखे भी तो सहस्र फन वाला नाग उनके ऊपर रहता है। अगर मैं आपके गोत्र का टीकाकार करते हैं, गोत्र माने नाम, नाम से नहीं, गोत्र, आपके गोत्र का पवित्र मंत्र, नाग दमनी मंत्र होता है, नागदमनी जड़ी भी होती है जिसका मानतुंग ने भक्तांबर में उल्लेख किया है, तन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। आपके नागदमनी जिसके हृदय में है, नागदमनी एक जड़ी भी है, और जो हमने देखी है नागदमनी जड़ी को देखें तो ऐसा ही लगता है कोई सांप का बच्चा है, वह जड़ी भी है और नागदमनी मंत्र भी होता है। तो नाग आपके गोत्र का यानी नाग दमनी का मैंने अगर मंत्र सुना होता तो यह विपदा की सर्पिणी निकट ही नहीं आती, विपदाएं कोई आती नहीं। और ये ठीक बात है कि जब हम किसी महापुरुष के संपर्क में आते हैं तो विपदाएं दूर होती है। एक वातावरण का अंतर है, एक आभा मंडल का अंतर है कि उसके निकट गए और भूल जाते हैं।
मैंने देखा है बहुत लोगों को कि जो आचार्य तुलसी के पास आते और घंटा भर बैठे रहते, उठकर जाते और बाहर जाकर कहते कि मैं तो गया था अमुक समस्या लेकर पूछने के लिए, अरे मुझे याद ही नहीं आई कोई समस्या। एक बार नहीं, अनेक बार ऐसे प्रसंगों को देखा है कि कोई समस्या लेकर आता, कोई अपनी बात कहने आता, अरे वहाँ घंटा भर दो घंटा भर बैठा रहता, सारी विस्मृति हो जाती कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर सारा। तो आचार्य ने ठीक कहा कि प्रभु मैंने आपके गोत्र का पवित्र मंत्र, मैंने नाग दमनी मंत्र अगर सुना होता तो यह विपदा रूपी सर्पिणी निकट ही नहीं आती, पर सुना नहीं, क्योंकि इतना बड़ा संसार है, उस संसार में भ्रमण करते करते कभी आपके निकट आने का मुझे मौका ही नहीं मिला। दूसरी बात कि जन्मांतर में भी मैंने आपके चरणों की उपासना नहीं की, पूजा नहीं की, उपासना नहीं की। अगर मैं किसी जन्म में आपके चरणों की उपासना कर लेता तो वे चरण कैसे हैं, ईहित दान दक्षम, जो इच्छा है, चेष्टा है, प्रवृत्ति है, ईहा है, उसको दान देने में दक्ष हैं, जो चाहो वह दान मिल जाता है इन चरणों से, क्योंकि चरणों का बड़ा महत्व होता है। ज्ञान की दृष्टि से हमारे शरीर में मस्तिष्क का बहुत महत्व, उपासना की दृष्टि से चरणों का महत्व है। कोई भी आएगा, वंदना करेगा तो चरणों में सिर टिकाएगा। यह संस्कार है और संस्कार में सार्थकता भी है, क्योंकि चरण की पैर की ऊर्जा जो निकलती है और जिसके चरण पवित्र है, जिसके साधना के द्वारा पवित्र हो चुके हैं, उसकी ऊर्जा सिर पर टिकती है तो उसका भी कल्याण होता है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी होता है। भक्तामर का पहला श्लोक देखें, प्रणम्य तव पादयुगम जिनेन्द्र भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगम युगादा वालम वनम भवजले पतताम जनानाम। आचार्य मानतुंग सबसे पहले ऋषभ के पादयुग का प्रणाम करते हैं, इसलिए क्योंकि वे जन्मांतर में भी लाभ देने वाले कल्याणकारी हैं और एक समय था कि शायद मूर्ति की अपेक्षा चरण न्यास को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, पगलियों की स्थापना के चलता था, स्थापना होती थी। आज भी जैनों में जिन दत्त सूर्य आदि की मूर्तियां नहीं है, उनके चरण ही हैं, पगलियों की स्थापना। तो पैरों से ऊर्जा जो निकलती है वह ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। बहुत वर्ष पहले कुछ विशेष जो जानकार होते हैं उन्होंने आचार्य तुलसी से भी कहा था कि आप अपने चरणों का स्पर्श न करने दें। बहुत बार कहा, गुरुदेव ने वर्जना भी की पर नहीं हो सकी, लोगों की एक भावना भक्ति ऐसी रहती है। स्वामी राम जी जो फिर कभी अपना चरण स्पर्श नहीं करने देते, हमने मिला तब भी चर्चा चली
और पहले भी जानते हैं बहुत उनको तो चरण स्पर्श नहीं करने देते, और भी कुछ बड़े साधक हैं वे अपने चरण स्पर्श नहीं करने देते, क्योंकि उससे जो साधना की ऊर्जा संचित होती है वह ऊर्जा एक हीन होती चली जाती है। मुझे भी बहुत लोगों ने कहा पहले से कि आपको चरण स्पर्श बंद कर देना चाहिए। कई बार प्रयत्न किया, नहीं हो सका, किंतु जब यह जन्मदिन था 90 वर्ष का, तब तो ये था कि अब तो कर देना चाहिए। तो अभी हमने वर्जना की है कि हमारा चरण स्पर्श न करें, मास्टर मुलाकात करते हैं, हमारा न करें। तो ये प्रभु, मैंने जन्मांतर में भी आपके चरण का स्पर्श नहीं किया, चरण की पूजा नहीं की, उपासना नहीं की, यही कारण है कि मैं वर्तमान जन्म में पराभवों का निकेतन बन रहा हूँ। ऐसे उपद्रव जो मुझे पराभूत कर देते, पराभव व्यथित करने वाले, अभिभूत करने वाले उपद्रव इसीलिए आते हैं कि मैंने आपके चरणों की उपासना नहीं की। अगर मैं पहले ही आपके चरणों की उपासना कर लेता तो ये उपद्रव कभी नहीं आते, मुझे नहीं सताते। व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, पराभव आते हैं, पराजय आती है, उपद्रव आते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है। और किसी भी ज्योतिर्विद को जन्म कुंडली दिखाओ, अमुक समय आएगा, अमुक ग्रह का योग आएगा और ये समस्याएं आएगी। शायद ही कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति हो जो जन्म से लेकर मृत्यु तक ग्रहों की पीड़ा को न भोगता हो या और भी बाहर की समस्याओं को न भोगता हो। आता है, सब बराबर नहीं रहते, समय समय पर आता है। तो समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में आती है, उतार चढ़ाव भी आते हैं, किंतु साथ में समाधान भी है। ऐसा नहीं है कि समस्या है समाधान न हो, बीमारी है तो दवा भी है उसके लिए, समाधान है। तो समाधान यह है कि किसी महापुरुष का संपर्क मिल जाए, उपासना का मौका मिल जाए, उनके चरणों की उपासना का मौका मिल जाए, तो समाधान होता है। तो जब अच्छी ऊर्जा ग्रहण करना है, विपत्ति आती है उसके भी ऊर्जा होती है, प्रकंपन होती है, ऊर्जा दोनों प्रकार की होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, दोनों प्रकार की एनर्जी आती है, प्रकंपन भी दोनों प्रकार के आते हैं। अगर नकारात्मक प्रकंपनों को हम सकारात्मक प्रकंपनों के द्वारा पराभूत कर सके तो वे आएगी चली जाएगी, हमारा कोई अनिष्ट नहीं कर सकेगी। और उधर से भी नकारात्मक ऊर्जा आती है, व्यक्ति का मन भी नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है तो उस पर उसका प्रभाव हो जाएगा। तो आचार्य ने ठीक कहा है कि प्रभु, ये उपद्रव, ये बार बार जो व्यथित कर रहे हैं, मन को मथित कर रही हैं, व्यथित कर रही हैं, इसका कारण यह है कि मैंने आपके चरणों की उपासना नहीं की। इससे हम एक समझ सकते हैं कि उपासना का एक बड़ा महत्व है। उपासना, भक्ति, ध्यान और चरित्र, ये तीन चार बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। चरित्र तो अपना होना ही चाहिए, किंतु चरित्र का बल भी कब होता है और व्यक्ति में भी बल कब होता है, उसके लिए उपासना और भक्ति भी बहुत जरूरी है। आचार्य कुंद कुंद जैसे आध्यात्म पुरुष जो अध्यात्म की परंपरा में
प्रथम स्थान पर कहा जा सकता है। उन्होंने भी भक्तियाँ लिखी है, नो भक्ति लिखी है, अर्हत भक्ति, सिद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति, भक्तियाँ लिखी है। भक्ति बहुत जरूरी है, उपासना भी जरूरी है। उपासना का मतलब ही होता है कि एक पवित्र आत्मा के उप माने निकट आसन बैठना, निकट बैठना, उपासना करना। लोग उपवास करते हैं, उपवास क्या है? उपासना है। उपवास का मतलब क्या है? आत्मा के निकट रहना। उप शब्दों पर ध्यान दें, उपवास दो शब्द है। उप का मतलब है संस्कृत में निकट, और वास माने निवास करना, रहना। उपवास का मतलब ही है आत्मा के निकट रहना। उपवास वही होता है कि आत्मा के निकट रहे, यह नहीं कि उपवास तो कर लिया, त्याग कर लिया और दिन भर या तो सावध्य काम करता रहे या लड़ाई झगड़ा करता रहे, उपवास भी चलता रहे, तो वह फिर उपवास नहीं होता, वह लंघन हो जाता है। एक होता है लंघन और एक होता है उपवास। लंघन तो हो गया, नहीं खाया तो लंघन हो गया, पर उपवास नहीं हुआ। उपवास करने की विधि है, प्राचीन काल की विधि है कि जब श्रावक उपवास करते थे तो अपनी पौषधशाला में जाकर एकांत में बैठकर स्वाध्याय ध्यान में सारा दिन रात बिताते थे, आत्मलीनता में बिताते थे। आत्मा के निकट रहना वह उपवास। काम तो सारे दिन दूसरा दूसरा करे और उपवास भी करे, तो उन्हें सोचना है कि मैं लंघन कर रहा हूँ, वास्तव में उपवास नहीं कर रहा हूँ। तो आचार्य ने भी ठीक कहा कि प्रभो, मैंने आपके इन चरणों की उपासना नहीं की, भक्ति नहीं की, इसीलिए ये सारे कष्ट आ रहे हैं। अगर करता तो ये कभी कष्ट आते नहीं। तो एक बहुत ही सुंदर पथ दर्शन दिया है कि जिन व्यक्तियों को पराभवों से बचना है, उन्हें पवित्र आत्माओं की चरणों की उपासना यानी उनके निकट बैठना, उपासना करना यह जरूरी है। और उपासना करने से चाहे एक घंटा बैठा रहा, मौन बैठा रहा, एक शब्द भी न गुरु बोले न वह बोला, और बोलना भी ज़्यादा नहीं चाहिए, बोलेगा तो व्यवधान आएगा, बस उसमें लीन हो गया, तल्लीन, तो जो ऊर्जा का लाभ मिलना चाहिए वह प्राप्त हो गया। तो हम उपासना और भक्ति की विधि को भी जाने, नाम तो बहुत चलता है, लोग करते हैं, पर विधि को नहीं जानते कि उपासना कैसे की जा सकती है, भक्ति कैसे की जा सकती है, उपवास कैसे किया जा सकता है। जब तक इस मर्म को न जाने तो मर्म को पकड़े बिना होता नहीं। जब तक श्री कृष्ण ने भीम को मर्म नहीं बताया, वह दुर्योधन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। जब मर्म बता दिया कि अमुक स्थान पर चोट करो, बड़ी लंबी कहानी है, अभी कहानी में नहीं जाऊंगा, बड़ी घटना है, पर जब मर्म बताया कि यह मर्म है तुम वहाँ प्रहार करो, और वहाँ प्रहार किया, सफल हो गया। मर्म को पकड़ना बहुत जरूरी है। हम कोई भी काम करें तो केवल कार्य नहीं, उसके मर्म को पकड़ें, मर्म विधा, मर्म फिट। इसीलिए आयुर्वेद में भी मर्म का बहुत बड़ा वर्णन है, और प्रेक्षा ध्यान में भी जो चैतन्य केंद्र है वह भी मर्मस्थान है, सारे मर्मस्थान है। तो मर्मस्थान को, मर्म की बात को पकड़ सके तो उपासना के द्वारा बहुत अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। किसानों की खेती पक जाती और बालियाँ ऊपर आती, चने पकते, चने को होला बोलते हैं, होला, जब होला सेकते खाते तब होली होली होली, एक उनके उल्लास का दिन था ये, किसानों के फसल पक गई और अब एक आनंद का दिन है। और इसके साथ अनेक पुरुषों की बात घटनाएं भी जुड़ी हुई है। हम इसको एक स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो एक संक्रमण होता है, चार महीने बीत गए और चार महीने सामने हैं, शीत ऋतु का, वास्तव में तीन ऋतुएं होती है, छह का विभाग कर दिया गया, तीन है, शीत, ग्रीष्म और वर्षा, बस
चार महीना शीत ऋतु का, चार महीना ग्रीष्म का, चार महीना वर्षा का, तीन ऋतुएं हैं और छह में भी कर सकते हैं। तो बीत गया, अब जब नया एक संक्रमण हो रहा है सर्दी और गर्मी के बीच में, तो सारी शरीर की क्रियाएं बदलती है, रक्त का संचरण भी बदलता है, रक्त बदलता है। तो इस समय, इस दिन जो एक संक्रमण का दिन है, व्यक्ति अपने आभा मंडल को अच्छा बनाए तो बहुत प्रसन्नता के साथ जीवन चलता है। हमारा शरीर क्या है? प्रकंपनों का समूह है। शरीर आपको स्थूल लगता है, यह मकान भी स्थूल लगता है। स्थूल है क्या? सारे प्रकंपन ही प्रकंपन है, प्रकंपनों का समूह बन गया, स्थूल लग रहा है। वैज्ञानिक दृष्टि से बताया गया कि सारी दुनिया के जितने पदार्थ हैं उनको कूट पींच कर एक गोली बनाई जाए तो इतनी सारी सब पदार्थों की, जो पहाड़ और सब आ गए, एक इतनी सी गोली बनेगी। ये प्रकंपन ही प्रकंपन है। तो रंग का भी प्रकंपन है, हम बोलते हैं शब्दों का भी प्रकंपन है। हमारे प्रकंपन अच्छे हों, और इस पर एक जैन दर्शन का सिद्धांत है, लेश्या का सिद्धांत, और इस पर विकसित हुआ है आभा मंडल का सिद्धांत। प्राचीन काल से ही विकसित है और आज भी आभा मंडल पर काफ़ी काम हो रहा है कि हमारा आभा मंडल कैसा है, और उसमें रंगों का महत्व है। हमारे शरीर में रंगों का बहुत प्रभाव है, केवल शरीर में नहीं, हमारा मन रंगों से प्रभावित होता है, शरीर रंगों से प्रभावित होता है, हमारा चिंतन और भाव भी रंगों से प्रभावित होता है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न।
तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। महाप्रज्ञ गुरु।